हम लोग दूसरे से हम केस करें केस के मैं मम्मा का अच्छा हेयर स्टाइल बना रही हूँ। हो गया? नहीं बाबा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ होली की प्रिपरेशन में है। आज आलू का चिप्स जो कि मैं बनाने जा रही हूँ, और अभी सुबह का टाइम है तो मैं आलू का चिप्स बनाऊँगी और धूप में डाल दूँगी, जिससे पूरे दिन के लिए अच्छे से धूप लग जाएगी और मेरा जो चिप्स है वो अच्छे से थोड़ा सूख भी जाएगा। और दोपहर के टाइम में बनाऊँगी गुलाब जामुन, क्योंकि शाम के टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि एंजल को पढ़ाना होता है और कल उसका एग्ज़ाम है, तो उसका भी मुझे तैयारी करवानी है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। चिप्स काटने के बाद मैंने यहाँ पे कुकर में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, और जब ये पानी बॉईल होता रहेगा ना, तभी हम इसमें नमक डालेंगे और उसी टाइम पे हम आलू डालेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, और इसका पानी छान करके हमें इसको निकाल करके ऊपर छत में धूप पे डाल देना होता है। अब बारी है गुलाब जामुन बनाने की, और जब मेरा चिप्स तैयार हो जाएगा सूख करके, तो फिर मैं आपको उसका वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा बना है और फ्राई करने के बाद उसका कलर कैसा आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। उसके लिए मैंने पानी अंदाज से ले लिया है, और इसमें आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप चीनी डालिएगा। मैं और मेरे बच्चे मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे चीनी ले रहे हैं। चीनी डालने के बाद और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे इलायची लूँगी। आप एक या दो इलायची डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इलायची को क्रश करके इसमें डाल दे रही हूँ, और इसका छिलका भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि उसके अंदर भी फ्लेवर रहता है तो, और देखने में भी अच्छा आता है, दिखता है, तो इसलिए मैं उसको डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जामुन मिक्स, जो कि मैंने ख़रीदा है मेरी बेटी के शॉप से, और उसने बहुत बड़ा स्टॉल लगा के रखा है ग्रॉसरी का, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं उसके शॉप को दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं गुलाब जामुन का प्रोसेस आगे बढ़ाती हूँ। ये 250 ग्राम का एक पैकेट होता है, और एक पैकेट में आप 25 से 30 के लगभग गोले बन सकते हैं गुलाब जामुन के, और अगर आप मीडियम साइज़ का बनाते हैं तो 40 गोले आराम से बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, इसलिए मैंने 3 पैकेट ख़रीदा था, ताकि बच्चों के लिए और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह आए होली पे, उनके लिए अच्छी क्वांटिटी में हो जाए। We'll be right back.
अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मेरा नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ईज़िली मेरा वीडियो अपडेट होता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।